जोधपुर पुलिस ने एक बार फिर ऑपरेशन सनराइज चलाते हुए शौक मौज के लिए अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 4 पिस्तौल, 4 मैगनीज और 1 देसी कट्टा बरामद किया है। कार्रवाई के बारे में बताते हुए डीसीपी वेस्ट गौरव यादव ने बताया कि ऑपरेशन सनराइज के तहत विवेक विहार थाना पुलिस ने 2 टीमों का गठन कर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और शौक मौज के लिए अवैध हथियार रखने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन सनराइज के तहत जो बदमाश लोग हैं उनको फॉलो करने वाले, लाइक करने वाले सोशल मीडिया एवं अन्य तरीके से, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में जो आसूचना मिली उसके तहत 2 मुलजिमों को पकड़ा गया, एक रमेश और दूसरा रवि। इनसे टोटल 5 फायर आर्म्स बरामद हुए, साथ साथ 4 मैगजीन भी बरामद हुई है। इनमें से जो रवि भादुए वो ड्रग्स की तस्करी में इन हथियारों को काम में अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में उससे ये सामने आया कि ड्रग्स की जो तस्करी है उसमें काम लेता है। जो दूसरा व्यक्ति है रमेश, प्रारंभिक अनुसंधान से ये पता चला है कि ये हथियारों की सप्लाई करने का कार्य भी करता है। तो इस तरीके से जो हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाने की जो पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है उसके क्रम में एक इम्पॉर्टेंट क्लू हमारे हाथ मिला है। इनसे और इंट्रोगेशन किया जाएगा और ये पता किया जाएगा कि ये पूरी जो सप्लाई चेन है वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है। इस क्रम में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 10 दिनों में करीब 350 ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है या पाबंद कराया गया है, समझाइश की गई है, जो आपराधिक तत्वों को सोशल मीडिया पर लाइक या फॉलो करते हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील करता हूँ कि यदि आप या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति लाइक या फॉलो करता है तो कृपया करके ये बंद कर दे, क्योंकि ये जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो किसी भी तरीके से फॉलो करने लायक नहीं होते। ये इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस हमेशा तत्पर रहती है और यदि आप लाइक करते हुए या फॉलो करते हुए पाए गए तो कभी भी आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये विवेक विहार एरिया सेक्टर जी और सेक्टर एफ से इनको पकड़ा है और इनसे बरामद की हुई है इनके कब्जे से। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि इसमें से एक व्यक्ति जो है वो हथियार का सप्लायर, जो प्रारंभिक पूछताछ में बात आई है कि वो हथियार मंगाता है और उसके बाद आगे सप्लाई करता है। कहाँ से लाता है ये? जो प्रारंभिक पूछताछ है उसके हिसाब से एमपी से लाना बताया है, परंतु डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है जिससे ये पता चले। टीमों ने विवेक विहार जी सेक्टर में रवि भादु को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 अवैध देसी पिस्तौल और 2 मैगनीज और सेक्टर एफ में कार्रवाई करते हुए रमेश चौधरी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 देसी पिस्तौल, 2 मैगनीज और 1 देसी कट्टा बरामद किया है। दोनों आला दर्जे के बदमाश बताए जा रहे हैं। मुलजिम रवि भादु के विरुद्ध पूर्व में NDPS एक्ट का मामला भी दर्ज है। वहीं रमेश चौधरी के खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। अवैध हथियारों को बेचने के फिराक में दोनों बदमाशों को दस्तयाब कर आगे का अनुसंधान किया जा रहा है। पंजाब केसरी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।